हेलो बच्चों, क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 1.5 वर्क एंड प्ले। इसमें आप लोगों ने देखा कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग बहुत सारे कामों को करते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कामों को करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। जिस काम को करने से हमें कुछ पैसे मिलते हैं या हम जो काम पैसों के लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे व्यवसाय के बारे में देखा। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कुछ लोग हमें यूजफुल सर्विसेज देते हैं, आवश्यक सेवाएं देते हैं, और फिर कुछ हमारा एंटरटेन करते हैं, मनोरंजन करते हैं। इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आपने पढ़ा था ऑल दिस पीपल वर्क टुगेदर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वे किस लिए काम करते हैं, हमारे जीवन को आरामदायक बनाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमें बैठना है तो हम कहाँ बैठेंगे, कुर्सी पे बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं। तो चेयर किसी ने बना करके हमें दिया और तब हम उस पे बैठते हैं, यानी कि उस चेयर को जिसने बनाया, चेयर को कौन बनाएगा, लकड़ी का सामान है तो उसे कौन बनाता है, बढ़ई बनाता है, ठीक है। तो बढ़ई ने आपको बना करके चेयर दिया बैठने के लिए, तो उससे आपका लाइफ थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। किस मायने में, बैठने के मायने में। या अगर आपके पास चेयर नहीं है तो आप नीचे बैठोगे या फिर बेड पे बैठोगे, तो बेड भी किसने बनाया, बढ़ई ने बनाया, वो भी लकड़ी का सामान है, और आपको पता है लकड़ी का सामान कौन बनाता है, बढ़ई बनाते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, सूरज एंड रीता लिव इन ए हैप्पी फैमिली। सूरज और रीता कैसे परिवार में रहते हैं, खुशहाल परिवार में रहते हैं। देयर हाउस इज ए पक्का हाउस, उनका घर कैसा है, पक्के का है। ए हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम हॉट सन, कोल्ड विंड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। एक घर क्या करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, किससे, हॉट सन, गर्म सूरज से यानी कि धूप से, ठंडी हवाओं से, वर्षा से, और जंगली जानवरों से हमारी सुरक्षा कौन करता है, घर करता है। एक घर इन सभी चीज़ों से, यानी कि धूप से, ठंडी हवाओं से, वर्षा से, और जंगली जानवरों से हमारी सुरक्षा करता है। दे हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम एंड आउटसाइड। करा है दे यानी कि वे कौन, सूरज और रीता, हेल्प देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की देख की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं उनकी, कहाँ पे, एट होम एंड आउटसाइड, घर पे और घर से बाहर, दोनों जगह पे सूरज और रीता क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की, माता पिता की हेल्प करते हैं। दे हेल्प टू मेक बेड्स इन द बेडरूम, वे बेडरूम में बेड्स को, बिछावन को ठीक करने का काम करते हैं। आप भी अपने घर पे अपने पेरेंट्स की हेल्प करते होंगे, करना भी चाहिए, अच्छी बात होती है। सूरज ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ एंड क्लीन हिज फादर्स स्कूटर। देखिए अब सूरज क्या काम करता है, तो सूरज मिल्क बूथ से जा कर के मिल्क लाने का, दूध लाने का काम करता है, और
साथ ही साथ क्या काम करता है, अपने पिताजी का स्कूटर भी क्लीन करने का, साफ करने का काम करता है। रीता हेल्प्स हर मदर इन द किचन। रीता अपनी माँ की किचन में हेल्प करती है। किचन में किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, जैसे सब्जी काट सकते हैं, या सब्जी को काटा हुआ है माँ ने आपके काट के रखा है तो आप उसे वॉश करके माँ को दे सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी किचन में अपनी माँ की हेल्प कर सकते हैं। पेरेंट्स फील हैप्पी व्हेन देयर चिल्ड्रन हेल्प देम। आपके माता पिता जो हैं वे बहुत खुश होंगे। नॉर्मली माता पिता बहुत खुश होते हैं जब उसके पेरेंट्स उनकी हेल्प करते हैं, पर वैसे ही सूरज के भी माता पिता, रीता के भी माता पिता खुश होते हैं। करे पेरेंट्स फील हैप्पी, पेरेंट्स हैप्पी फील करते हैं यानी कि खुशी महसूस करते हैं व्हेन देयर चिल्ड्रेन हेल्प देम, जब उनके बच्चे उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। दे ऑल्सो स्पेंड टाइम विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। वे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी समय व्यतीत करते हैं, अपना समय बिताते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी। देयर ग्रैंड पेरेंट्स नैरेट मिनी स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द लीजर टाइम। और उनके ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारी कहानियों को और घटनाओं को लीजर समय में यानी कि खाली समय में उन्हें सुनाते हैं। नैरेट मीन्स सुनाना। आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल होमवर्क वी कैन हैव फन एट होम। रहा है कि अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद, पूरा करने के बाद आप अपने घर पे फन कर सकते हैं। फन मतलब मजाक करना या आनंद लेना या और किसी भी प्रकार के खेल खेलना, ठीक है, मनोरंजन करना। आप बहुत मनोरंजन के अंतर्गत ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपको, जिस चीज़ से भी, जैसे कुछ लोगों का कहानी का, किताब पढ़ने का अपना हॉबी होता है या फिर खेलने का होता है, जिसकी जो चीज़ में हॉबी होती है उसको कर सकते हैं। लेकिन कब, होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद। वी कैन हैव फन एट होम, हम अपने घर पे मनोरंजन कर सकते हैं। आजकल तो आप लोग घर पे ही हैं तो पढ़ाई भी ज़रूर करिए और मनोरंजन भी करिए, दोनों ही हमारे लिए आवश्यक है। वी रीड स्टोरी बुक्स एंड कॉमिक्स वॉच टेलीविज़न। कराया है हम लोग स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, कहानी की किताब को पढ़ सकते हैं, कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं और टीवी भी देख सकते हैं। लेकिन अब आगे देखिए क्या है, वॉचिंग टू मच ऑफ टेलीविज़न इज नॉट गुड फॉर आवर आइज। बहुत ज़्यादा टीवी देखना भी हमारी आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है। वी प्ले लूडो कैरम एंड चेस एट होम। घर पे हम लोग लूडो कैरम और चेस भी खेलते हैं। वी टेक डिनर टुगेदर विथ द फैमिली एट नाइट। हम लोग रात को एक साथ डिनर भी करते हैं, पूरे परिवार को एक साथ बैठ करके ज़रूर खाना खाना चाहिए। इट गिव्स अस लॉट ऑफ हैप्पीनेस व्हेन वी शेयर द हैपनिंग ऑफ द डे। कराया कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब हम लोग अपने दिन के कार्यों में जो कुछ भी हुआ है वे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा, आज आप लोग इसे पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।